मम्मा का क्या चल रहा है, शूट चल रहा है, इधर आओ आपको मिलवाते हैं सबसे, इधर देखो ये अभी उठ के ये अभी सो के उठी है। हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट ग्लिटर गर्ल। माय नेम इज़ नेहा। सो आज का वीडियो जो हमारा होने वाला है वो रिलेटेड टू स्किन केयर होने वाला है। सो आज का वीडियो जो बेस है वो पेडिक्योर पे बेस है। सो मैंने सोचा क्यों ना एक स्किन केयर वीडियो बनाया जाए, क्योंकि मेकअप से ज़्यादा ना हमारे लिए स्किन केयर ज़रूरी होता है, चाहे वो फेस का हो, चाहे वो हाथ का हो, चाहे वो पैरों का हो, चाहे बॉडी का हो। सो मैंने सोचा क्यों ना पेडिक्योर से स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे ना मैंने पेडिक्योर का वीडियो बनाया, एंड इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कैसे आप घर बैठे बैठे अपना पेडिक्योर कर सकते हैं, एंड जो रिज़ल्ट मिलेगा आपको 100% आपको इफेक्टिव रिज़ल्ट मिलेगा, क्योंकि मैंने ना खुद से अपने पैरों पर अप्लाई किया था। लाइक जो भी मैंने प्रोसीजर है वो खुद से अपने पैरों पर अप्लाई किया था। सो मुझे भी रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा मिला। देन उसके बाद ही मैंने सोचा चलो एक वीडियो बना लिया जाए, क्योंकि यहाँ पर जो मैं प्रोडक्ट यूज़ करूँगी सारे वो आपको अपने घर में बहुत ईजिली मिल जाएंगे, सबके किचन में वो प्रोडक्ट्स अवेलेबल रहते हैं। इस वीडियो ना मैं आपको बताऊंगी कैसे आप सिंपल स्टेप्स के साथ अपना घर बैठे बैठे पेडिक्योर कर सकते हैं, बिकॉज आज का टाइम ऐसा इतना भागदौड़ वाला टाइम है कि आप ना अपनी स्किन पे, फेस पे, पैरों पे, हाथों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाते। बट ऐसा नहीं है, आपको ध्यान देना चाहिए। डेली बेसिस पे तो नहीं ध्यान दे पाते, डेली बेसिस पे हम फेस का स्किन केयर कर लेते हैं लेकिन अपने पैरों का स्किन केयर बिल्कुल भी नहीं कर पाते, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल का टाइम ऐसा है, बाहर इतना डस्ट है, हम ट्रैवल करते हैं तो हमारे पैर इतने ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, एंड डेली बेसिस पे हमें किसी को टाइम नहीं मिलता कि हम उनको अच्छे से आप करें या उनके लिए कुछ ज़्यादा स्पेशल ट्रीटमेंट करें। एंड अगर हम इसी पेडिक्योर के लिए बाहर सलून में जाते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगा मिलता है। लाइक अगर कोई लोकल सलून है तो वो आपको 1000-1200 रुपये का पेडिक्योर करके देंगे, एंड अगर कोई बहुत ज़्यादा अच्छा सलून है वो 3000-4000 रुपये में कोई पेडिक्योर देंगे। उसमें भी वो प्रोडक्ट वो वाले यूज़ करते हैं जिसमें केमिकल रहते हैं, एंड आजकल के सारे ही प्रोडक्ट्स में केमिकल रहते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कैसे आप नेचुरल प्रोडक्ट से अपना पेडिक्योर कर सकते हैं। सो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ, एंड उससे पहले जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं एंड मेरी ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर सकते हैं मेरी इस वीडियो को, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी और वीडियो के लिए। जो लोग मेरी ऑलरेडी वीडियोज़ देखते हैं तो प्लीज़ लाइक करना एंड कमेंट करना नेक्स्ट वीडियो के लिए कि नेक्स्ट वीडियो मैं कौन सी वीडियो बना सकती हूँ। सो जल्दी से हम अपना ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो इस वीडियो में जो आपको मैं स्टेप्स बताऊंगी ना वो 100% इफेक्टिव है। लाइक मैंने अपने पैरों पे अप्लाई किया था तो मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला, तभी मैंने सोचा कि अगर मुझे रिजल्ट अच्छा मिल रहा है तो ऑफकोर्स आप लोगों को भी मिलेगा। होम रेमेडी है, सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आपको घर में मिल जाएंगे, कोई डिफिकल्टी नहीं है कि आप बाहर से लेकर आएंगे। एंड लाइक आपको ये मंथ में 2-3 बार करना चाहिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, हार्डली आपको 30-45 मिनट्स लगते हैं, एंड लाइक आपके पैर इतने ज़्यादा स्मूथ एंड सॉफ्ट एंड थोड़े से शाइन करने लगेंगे तो काफ़ी अच्छा लगता है। लाइक मैंने पेडिक्योर किया था, मुझे भी काफ़ी अच्छा लग रहा था, बहुत हल्का हल्का सा फील होता है, अदरवाइज़ तो पैर इतने ज़्यादा केकी से लगते हैं एंड बहुत हैवी हैवी टाइप के लगते हैं, खुद ही हमको ना फील होता है यार पैर बहुत ज़्यादा गंदे हो रखे हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी कैसे आप घरेलू चीज़ों से अपने पैरों को चमका सकते हैं। सो सबसे पहले हमें चाहिए नेल पेंट रिमूवर। सो नेल पेंट रिमूवर से हमें जो भी हमने पुरानी नेल पेंट लगा रखी होगी अपने नेल्स पे उसे हमें अच्छे से रिमूव करना है, एंड ये हमारा सबसे पहला स्टेप होगा, पूरी नेल पेंट को हमें अच्छे से रिमूव करना है। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने ना सारी नेल पेंट अच्छे से रिमूव कर दिया। नेक्स्ट जो हमारा स्टेप होगा उसमें हम लेंगे एक टब या बकेट, हम कुछ भी ले सकते हैं, उसमें लेंगे हम थोड़ा सा वार्म वाटर, उसके बाद हम ऐड करेंगे 2 चम्मच नमक, एंड उसके बाद हम थोड़ा सा ऐड करेंगे बेकिंग सोडा, 2 चम्मच हम इसमें बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर 2 चम्मच कोई भी शैम्पू यूज़ कर सकते हैं, जो भी आप शैम्पू यूज़ करते हैं वो आप इसमें शैम्पू 2 चम्मच डाल सकते हैं, एंड उसके बाद आपको ये पूरा ना अच्छे से मिक्स कर लेना है, एंड उसके बाद हम लेंगे हाफ लेमन आप डाल सकते हैं, आप 1 लेमन भी डाल सकते हैं। सो मैंने यहाँ पे लिया हाफ लेमन। सो उसके बाद ना मैंने अच्छे से इसको मिक्स करके अपने दोनों पैरों को इसमें डाल दिया। सो मैंने पहले जब पानी लिया था वो थोड़ा सा कम हो गया था, उसके बाद मैंने इसमें दोबारा से पानी ऐड ऑन किया। सो आपको उतना पानी लेना है ताकि आपके पैर पूरे उसमें अच्छे से भीग जाए, एंड इसको 15 मिनट्स तक रेस्ट देना है, एंड 15 मिनट्स के बाद ना आपको अच्छे से कोई भी ब्रश लेना, लाइक मैंने यहाँ पर टूथ ब्रश लिया है, बहुत सारे ब्रश आते हैं जो पैरों को लाइक ब्रश करने के लिए होते हैं, क्लीन करने के लिए होते हैं, आप उस टाइप का कोई भी ब्रश ले सकते हैं, एंड अपने नेल्स एरिया पे पूरे पैरों को अच्छे से आपको रब करना है।
आगे अच्छे से ब्रश करने के बाद आपको ना बैक साइड में आना है। आपके ना जो भी सबसे ज़्यादा जो हमारे पैरों में गंदगी होती है ना, वो एड़ी वाली एरिया पे होती है, एंड यहाँ पे ना उसी वजह से ना हमारे पैर ना बहुत ज़्यादा फट जाते हैं, जो हमारे पैरों में बहुत ज़्यादा गंदगी लग जाती है। और इवन मेरे पैर भी बहुत ज़्यादा फट गए थे, क्योंकि मैं अभी काफ़ी टाइम से ना ये कर नहीं पा रही थी। सो मैंने बैक साइड में हमारे एड़ी वाले एरिया में ना अच्छे से दोनों पैरों को क्लीन किया, ब्रश किया, उसको अच्छे से रगड़ा। अच्छे से क्लीन करने के बाद ना हमें इसमें हमने डाला था एक लेमन, तो हमें वो वाला लेमन लेना है, एंड उस लेमन से ना अपने नेल्स एरिया के चारों तरफ अच्छे से उसे क्लीन करना है अपने पांचों नेल्स में। सो एक एक करके मैंने ना यहाँ पे लेमन से क्लीन करा अपने, ताकि वो जो ब्लैकनेस टाइप की होती है हमारे नेल्स के कॉर्नर्स पे, वो थोड़ी सी क्लीन हो जाए। इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, लेमन से आपकी जो भी ब्लैकनेस टाइप की होती है वो आपकी चली जाती है जो नेल्स एरिया पे रहती है। सो यहाँ पे मैंने इस लेमन से अपनी एड़ी वाले एरिया पे भी अच्छे से क्लीन किया। So, आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से क्लीन कर रही हूँ, तो आप सेम वैसे भी कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने टब से ना अपने पैरों को बाहर निकाल दिया, एंड यहाँ पे ना आपको कोई भी एक थिक क्रीम लेनी है, एंड थिक क्रीम अपने ना नेल्स एरिया पे एंड पूरे पैरों पे अप्लाई करने है। मेरे पास यहाँ पे ना थिक क्रीम नहीं थी, तो मैंने ऐसी कोई मॉइस्चराइज़र ले लिया, बट आपको ना थिक क्रीम लेनी है अगर आपके पास अवेलेबल है। अगर अवेलेबल नहीं है तो आप भी मेरी तरह कोई भी मॉइस्चराइज़र ले सकते हैं। सो आपको नेल्स के चारों तरफ उसको ना थोड़ा सा 5 to 10 मिनट्स का रेस्ट देना है, एंड अच्छे से आपके पीछे आपकी एड़ी एरिया पे आपको इसे मसाज करनी है, आगे पूरी अच्छे से मसाज करनी है, ताकि इससे ना आपके जो नेल्स के कॉर्नर्स हैं वो क्लीन हो जाए, जो भी आपके पैरों के डस्ट पार्टिकल्स हैं, जो भी गंदगी है, वो अच्छे से निकल जाए। सो मसाज आपको ना करनी है 5 से 10 मिनट तक। फिर से ना आपको वही वाला टब का पानी लेना है, एंड वहाँ पे अपने पैरों को ना अच्छे से क्लीन करना है। वो पानी ना अभी भी गुनगुना होगा, एंड ना आप लोग पानी का कलर देख सकते हैं, पानी का कलर काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया, एंड आपके पैर ना काफ़ी ज़्यादा क्लीन एंड आपको काफ़ी स्मूथ लगेंगे। सो यहाँ पे मैंने ना छोटे से टॉवल से अच्छे से अपने पैरों को थोड़ा सा ड्राई कर लिया, एंड उसके बाद ना मैंने यहाँ पे वैसलीन लिया। सो वैसलीन ना मैंने अपने पैरों पे अच्छे से अप्लाई किया, आगे भी एंड पीछे भी। सो आप यहाँ पे वैसलीन यूज़ कर सकते हैं, कोई भी मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप कोकोनट ऑयल यूज कर सकते हैं। सो जैसे कि आप ना यहाँ पे रिजल्ट देख ही सकते हैं, हमारे पैर पहले कैसे लग रहे थे एंड उसके बाद क्लीन होने के बाद कितने ज़्यादा सॉफ्ट लग रहे हैं, कितने ज़्यादा शाइन कर रहे हैं। सो मुझे ना रिजल्ट काफ़ी अच्छा लगा, एंड इसमें हमने कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं यूज़ करा जो कि आपको नहीं मिलने वाला, सब आपके किचन में मिलने वाला है। सो आप लोगों को ये ना एक बार ज़रूर ट्राई करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा पेडिक्योर का वीडियो। सो आई होप आप लोगों को ये पसंद आया होगा, एंड आप ना इस पेडिक्योर को ट्राई कर सकते हैं, 100% इफेक्टिव है, ज़रूर ट्राई करना। एंड वीडियो अच्छा लगता है तो जाते जाते इस मेरी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, एंड मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। यहाँ पे मेरी छोटी सी डॉटर आ गई है, वो देख रही है यहाँ पे मम्मा का क्या चल रहा है, शूट चल रहा है। इधर आओ, आपको मिलवाते हैं सबसे। इधर देखो, ये अभी सो के उठी है। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं ऐसी बेटू नहीं मिलते बेटू बेटू इधर आओ मिलते हैं ऐसी न्यू वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।